वॉचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम स्टिकी की का उपयोग कर सकते हैं। ये स्टिकी की क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्टिकी की जो होती है ना, शिफ्ट बटन को 5 बार दबाने से एक्टिवेट हो जाती है। काम क्या करती है, देखिए स्टिकी की जो थी वो बनाई गई थी विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका किसी एक्सीडेंट के चलते या किसी कारण से उनका एक हाथ टूट गया हो या हाथ में फ्रैक्चर हो गया हो, तो दोनों हाथ कीबोर्ड चलाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। तो स्टिकी की बनाई गई थी खासतौर पे इसीलिए कि जैसे मान लीजिए किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाए या किसी इंजरी के चलते उनका एक ही हाथ काम करे तो एक हाथ से वो काम कर सकें। कैसे इसको कर सकते हैं चलिए इसको देखते हैं। देखिए बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो सीखते हैं स्टिकी की को एक्टिवेट कैसे करें। तो शिफ्ट की को आपको 5 बार दबाना है। कैसे दबाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये शिफ्ट की को आपको 5 बार दबाना है, तो चलिए दबाते हैं 1 2 3 4 5। तो ये देखिए 5 बार दबाने से ये आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको करना है यहाँ पे यस, जैसे ही आप यस करेंगे तो स्टिकी की एक्टिवेट हो जाएगी। अब देखिए अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट ये बटन है जो स्टिकी की पर काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं शॉर्टकट की का प्रयोग करके, ठीक है। कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। तो ये सब एक साथ 2 या 3 बटन दबाना हो तो हम नहीं कर सकते ये। अब जैसे मान लीजिए आपको दबाना है कंट्रोल अल्ट डेल, इससे कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, रीस्टार्ट वाला मेन्यू खुल करके आता है। तो अभी कंट्रोल और अल्ट तो आप एक हाथ से दबा लोगे, डेल के लिए दूसरे हाथ की जरूरत पड़ जाएगी आपको। तो इसी के लिए स्टिकी की बनाई गई थी। चलिए इसका प्रयोग करके देखते हैं। स्टिकी की हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, माउस से इसको सेलेक्ट करता हूं मैं, ये जो पोर्शन लिखा हुआ है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं इतने पोर्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। हमको इसको क्या करना है, कॉपी करना है। तो मैं पहले कंट्रोल दबा लेता हूं, कंट्रोल दबा दिया मैंने, अब मैं हट जाता हूं, कीबोर्ड छोड़ देता हूं। अब हमको सिर्फ दबाना है सी, अब फिर कीबोर्ड पर जाता हूं सिर्फ सी दबा देता हूं। देखिए कंट्रोल के बाद मैंने सी दबा दिया है। अब मैं नीचे क्लिक करता हूं, इसको मुझे यहां पे कॉपी करना है। फिर मैं कंट्रोल दबा के हट जाता हूं, फिर वी दबाता हूं, वी यानी वैन, वैन माने गाड़ी वाला वी। तो वी दबा दिया हमने, तो जैसे ही वी दबाया यहां पे देखिए आप ऊपर में यहां पे एक और ये कॉपी होकर के आ गया है। अगर मैं फिर वही काम करूं, कंट्रोल दबाऊं, ठीक है, और फिर वी दबाऊं तो फिर वही डेटा कॉपी होकर के आ जाएगा ऊपर में। तो ये चीज जो है स्टिकी की के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए आपको इतने पार्ट को बोल्ड बनाना है, तो इतने पार्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए पूरा पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये सिर्फ हम इतने को बोल्ड करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, तो हम एक बार कंट्रोल दबा देते हैं, ठीक है। स्टिकी की एक्टिवेट है, एक बार हमने क्या किया, कंट्रोल दबाया, अब बी दबा देता हूं तो ये बोल्ड हो गया। तो ये फायदा होता है स्टिकी की, क्या अलग अलग करके दबाया तो भी ये आ गई हमारी शॉर्टकट की काम कर रही है। तो स्टिकी की का यही फायदा होता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और स्टिकी की का यूज आप सीख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।